साथियों, 2014 के बाद से ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत का कमिटमेंट और भारत के प्रयास पूरी दुनिया को देख रहे हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 70 गीगावाट से बढ़कर करीब 170 गीगावाट हो चुकी है। इसमें भी सोलर पावर कैपेसिटी 20 टाइम्स से ज्यादा बढ़ी है। आज भारत विंड पावर कैपेसिटी के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। हम इस दशक के अंत तक 50% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हम बायोफ्यूल पर, इथेनॉल ब्लेंडिंग पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम 1.5% से बढ़ाकर 10% कर चुके हैं। अब हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आज यहां E20 रोल आउट किया जा रहा है। पहले फेज में देश के 15 शहरों को कवर किया जाएगा और फिर आने वाले 2 वर्षों में देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। यानी E20 भी आपके लिए देश भर में बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है।